आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नवंबर दिसंबर में होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस राज्य की एक एक सीट पर फोकस कर रही है और इसके लिए पार्टी आलाकमान ने दिग्विजय सिंह को खास जिम्मेदारी सौंपी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले 66 सीटों का जिम्मा दिग्विजय सिंह को सौंपा गया है। आपको बता दें, ये वही सीटें हैं जहां कांग्रेस 15 साल से सत्ता में नहीं आ पाई है और इस पर बीजेपी के इस किले को घेरने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है। पार्टी आला कमान के निर्देश पर दिग्विजय सिंह ने भी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और वो इन 66 सीटों के दौरे पर निकल चुके हैं जहां लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है। वो लगातार इन विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस मानकर चल रही है कि इन हारी हुई सीटों से कांग्रेस अगर 50 पर भी कब्जा कर लेती है तो एमपी की कुर्सी पाने में पार्टी को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह को यह जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है और दिग्विजय सिंह का मिशन 66 क्या है और ये मिशन 66 कैसे पूरा होगा, अब यह जान लीजिए। दिग्विजय सिंह पिछले चुनावों में हारी हुई 66 सीटों के दौरे के दौरान मीडिया से बात कर रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान मंच पर बैठने की जगह उनके साथ मंच के नीचे कुर्सी लगाकर बैठ रहे हैं। उनकी बातें सुनकर उनको डायरी में भी नोट कर रहे हैं, साथ ही लगे हाथ कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे भी दूर कर रहे हैं। इतने नहीं, दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर उनकी मन की पीड़ा दूर कर रहे हैं और कांग्रेस की हार के कारणों को खुलकर बताने के लिए भी कहते दिखाई दे रहे हैं। इन 66 सीटों पर दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच गुटबेजी और मनमुटाव को दूर करने के लिए गिले शिकवे भी मिटा रहे हैं। दिग्विजय सिंह पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को शपथ भी दिलाई है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी जिसे भी टिकट देगी सभी उम्मीदवार और कार्यकर्ता एकजुट होकर उनके पक्ष में खड़े होंगे। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि सारंगपुर सीट पर 20 दावेदार हैं, लेकिन पार्टी जिसे भी टिकट देगी सभी दावेदार के पक्ष में होंगे। जो बगावत का चुनाव लड़ेगा उसका सामाजिक बहिष्कार होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि दिग्विजय सिंह को क्यों दी गई है इतनी बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं की नब्ज को अच्छे से समझते हैं। जमीनी पकड़ के मामले में दिग्विजय सिंह की कोई तुलना नहीं है, इसलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आयोजन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी बखूबी निभाने के बाद अब दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश फतेह की जिम्मेदारी दी गई है। साल 2018 के चुनाव में दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा यात्रा कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता वापसी करवा चुके हैं। 2018 में दिग्विजय की नर्मदा परिक्रमा यात्रा ने राज्य की 70 से 80 सीटों को कवर किया था और पार्टी को दिग्विजय सिंह के इस होमवर्क का नतीजा भी मिला था जिससे पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई थी। दरअसल कांग्रेस मानकर चल रही है कि जिन 66 सीटों पर बीजेपी का लंबे समय से कब्जा है वहाँ एंटीकम्बेंसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गुटबाजी बड़ी है और कांग्रेस इन बातों का फायदा अगर उठा ले तो बीजेपी के किले को फतेह कर सकती है और इसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है।